वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा ये क्लिप देख लीजिए। इस वीडियो में ये महिला क्या कर रही है, गौर से देखिए। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको बता दें कि ये चीन का वीडियो है जिसमें एक महिला गटर से कचरा निकालकर उसमें से खाने वाले पदार्थ को अलग कर रही है ताकि उसे फिर से खाने लायक बनाया जा सके। ये कितना घिनौना है ये हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन ये बात आपको घिनौनी जरूर लगी होगी, मगर चाइना में ये बात आम है। इस वीडियो को आप अभी देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आज चाइना के बहुत से ऐसे राज खोलने वाला है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन की तरक्की की बात करें तो चीन दिन रात तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने का सामान, चाइना हर चीज को कॉपी कर लेता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक तो ठीक था, मगर खाने पीने की चीजों की कॉपी, ये बात शायद आपको हजम नहीं हुई होगी, मगर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि चीन बहुत से खाने की चीजों को ड्यूप्लीकेट बनाता जा रहा है। अब जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्या लगा आपको? आपको शायद लग रहा होगा कि ये कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, मगर आपको बता दें इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखिए। इन प्लास्टिक की परतों से पहले प्लास्टिक का रेशा बनता है और उसके बाद बन गए ये प्लास्टिक के चावल। जी हाँ, प्लास्टिक के चावल चीन के। प्लास्टिक के चावलों और असली चावलों में फर्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात है क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद भी इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ पाता। आप अगर एक कटोरी चावल खाते हैं तो समझ लो आप एक कटोरी प्लास्टिक ही खा रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे आप इन नकली खाद्य पदार्थ और असली खाद्य पदार्थों पर फर्क कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे नकली अंडे बनाए जा रहे हैं। इन अंडों को बनाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है वो केमिकल शरीर में कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। इन अंडों के बीच का ये पीला भाग प्लास्टिक से बनाया जाता है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान पहुंचा सकता है। चाइना में लगभग हर वो चीज ड्यूप्लीकेट हो रही है जिसे आसानी से बनाया जा सके, जिसकी खपत भी ज्यादा होती है। अब जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। प्लास्टिक की बनी ये बंद गोभी बिल्कुल असली नजर आ रही होगी, जिसे अगर जलाया जाए तो थोड़ा गर्म होने के बाद ये गोभी के पत्ते प्लास्टिक के जैसे खिंचने लग जाते हैं। इसी टेक्निक से चाइना में नकली मीट भी बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोच कर देखिए, इस तरह के खानों को खाकर क्या हम सेहतमंद रह पाएंगे? अब जरा इन अंगूरों को ही देख लीजिए, क्या आप कह सकते हैं कि ये नकली है? मगर जरा देखिए, ये अंगूर भी आपको धोखा दे रहे हैं। चीन में इन्हें भी प्लास्टिक से ही बनाया जा रहा है। हम तो इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं, मगर ये अंगूर हमारे शरीर का अंदर से क्या हाल करते होंगे हम सोच भी नहीं सकते। ये रही नकली खाने की बात, मगर अब सवाल ये उठता है कि इनसे हम बचे कैसे। तो आइए जानते हैं, आपको इनसे बचने का तरीका भी बताते हैं। कोई भी नकली खाद्य पदार्थ कभी भी असली की तरह नहीं हो सकता, चाहे उसे कितनी भी निपुणता कितनी भी दक्षता से बनाया गया हो। इसलिए अंगूर, मीट, पत्ता गोभी जैसी कई चीजों को आप आसानी से ध्यान देकर तथा उसे चलाकर पहचान सकते हैं। उसी प्रकार असली चावल तथा नकली चावल को चलाकर उनकी असली नकली होने के बारे में पता किया जा सकता है। अब रह गए अंडे। इन अंडों को देखकर तो बड़े बड़े धोखा खा जाए, मगर दोस्तों आपको बता दें इन अंडों की जर्दी से आप पता कर सकते हैं कि अंडे असली हैं या नकली। इन अंडे की जर्दी को हाथ में पकड़ने से आसानी से टूट जाएंगी अगर ये प्लास्टिक की होंगी तो, तथा इन अंडों के खोल में एक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जिसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अंडा नकली है या असली। अब ये बात तो है कि लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये वो व्यापारी होते हैं जो किसी की सेहत का फिक्र भी नहीं करते, इसलिए हमें अपने और अपने परिवार की सेहत का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों कोशिश करें कि चीनी सामग्री अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा उसको अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं, कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सोच समझकर सस्ते नहीं सही पर जाएं, स्वदेशी चुनें चीनी नहीं, और ये संदेश जितना हो सके फैलाइए ताकि लोग इस बात से सजग हो पाएं, सतर्क हो पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ में। फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया। कैसे फॉलो करना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।